Hi, buddy. Namaste. Namaste, namaste, namaste. I'm not that well. पैर में दर्द, दवाइयाँ खा रहा हूँ. उस दवाइयों से पता नहीं क्या हो रहा है, पेट सोक हो रहा है मेरा. आइए जी. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. मैंने आपको AS22 बोला था. अगर आप AS22 का पूरा स्टडी मैट कर लेते हैं तो आपके ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस, हर प्रकार का क्वेश्चन कर पाएंगे आप, चाहे वो. और इसके साथ में सुपर 100 और कर लेना, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी. मतलब जब मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो इसके अंदर मैं स्टडी मैट के क्वेश्चन प्लस जो आपको मैंने सुपर 100 दिए हैं, बस वो कर लीजिए. इतना काम आपका परफेक्ट रहेगा. कल जितनी क्लास कराई थी वो सारी क्लास रिवाइज करके आए हो? मैं आज दो तीन प्रेजेंटेशन चीज़ बताऊंगा, जल्दी बताइए. कल जो क्लास कराई थी वो सारी क्लास रिवाइज करके आए हो कि नहीं? जी सर, सारी क्लास रिवाइज करके आए हैं जी. चलिए दोस्तों, अगर आप सारी क्लास रिवाइज करके आए हैं तो हम लोग अपनी बातों को चालू करते हैं. उसने कहा एक रामा लिमिटेड है. ठीक है जी, हमने भी कहा ठीक है सर, एक रामा लिमिटेड है. जब हम रामा लिमिटेड की बात करते हैं, आ जाएंगे बच्चे अपने आप यार. जब हम रामा लिमिटेड की बात करते हैं तो रामा लिमिटेड हैज़ प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंड डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रिकॉर्ड्स. तो क्या मैं कह सकता हूँ कैलक्यूलेशन ऑफ डेफर्ड, मैंने लिंक लेट भेजा है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी और डेफर्ड टैक्स एसेट. क्या मैं एक बात कह सकता हूँ कि सबसे पहले अगर मैं पर्टिकुलर्स लिख लेता हूँ, पर्टिकुलर्स के साथ साथ में नेचर लिख लेता हूँ, नेचर के साथ साथ में मैं अमाउंट लिख लेता हूँ, रेट लिख लेता हूँ और DTA या DTL लिख लेता हूँ. ध्यान से बातों को सुनिएगा. क्या मैं कहूँ डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के हिसाब से मेरी डेप्रिसिएशन कितनी है? 2 लाख रुपए. और एज पर टैक्स आपकी डेप्रिसिएशन कितनी है? 5 लाख रुपए. अब मेरी बात को बताइए सबसे पहले कि जो डेप्रिसिएशन होगा वो परमानेंट डिफरेंस होगा या टाइमिंग डिफरेंस होगा? जल्दी बोलें, जो डेप्रिसिएशन होगा वो परमानेंट डिफरेंस होगा या टाइमिंग डिफरेंस होगा? सर, जो डेप्रिसिएशन होगा वो टाइमिंग डिफरेंस होगा. अब अपने जरा कल के नोट्स खोलिए. क्या मैं कहूं, मैंने आपको यह बताया था कि अगर आज समय अच्छा है तो कल समय बुरा आएगा, और अगर आज समय बुरा है तो कल समय अच्छा भी आएगा. आप ध्यान से देखिए. क्या मैं कहूं अभी अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन 2 लाख है जबकि टैक्स में डेप्रिसिएशन 5 लाख है? टैक्स वाले आपको ज्यादा एक्सपेंसेस अलाउ कर रहे हैं, इसका मतलब टैक्सेबल प्रॉफिट कम होगा. टैक्सेबल प्रॉफिट कम होगा कितने रुपए से? 3 लाख रुपए से. टैक्स का रेट है 50%. क्या मैं कहूं अभी टैक्सेबल प्रॉफिट कम है, मतलब फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट ज्यादा होगा? और अगर फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट ज्यादा होगा तो बताओ DTL बनेगा कि नहीं बनेगा? और DTL बनेगा 3 लाख का 50%, 1.5 लाख रुपए. DTA या फिर DTL का अमाउंट, बोलो. इतनी बात समझ में आती है जी सर. अब दूसरी बात करी, उसने अनअमोर्टाइज्ड
अनअमोर्टाइज्ड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एज पर टैक्स रिकॉर्ड्स, ठीक है जी, अनअमोर्टाइज्ड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एज पर टैक्स रिकॉर्ड्स। इसका मतलब ध्यान से सुनते रहिएगा, अनअमोर्टाइज्ड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, क्या क्या मैं ये मतलब कह सकता हूं कि अभी टैक्स के अंदर वो अनअमोर्टाइज्ड है, मतलब फ्यूचर में अमोर्टाइजेशन मिलेगी, फ्यूचर में अमोर्टाइजेशन मिलेगी तो फ्यूचर में टैक्स कम होगा, लेकिन अभी तो टैक्स ज्यादा लगेगा। तो डिफरेंस, तो ये भी टाइमिंग डिफरेंस है, अमाउंट है 30,000, रेट है 50%, अभी अनअमोर्टाइज्ड है मतलब अभी टैक्स ज्यादा लगेगा, फ्यूचर में कम लगेगा, तो DTA हो गया कि नहीं। लेकिन क्या मैं कहूं DTA का मैं दूसरा नाम रिवर्सल ऑफ DTL भी बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? 30,000 का 50% मतलब 15,000, तो क्या मैं बोलूं मेरा नेट DTL जो बनना चाहिए वो 135,000 का बनना चाहिए? ये सवाल आपके एग्जाम्स में बहुत बार आया हुआ है, जल्दी बताएं क्या इतनी बात सबको क्लियर है? दोस्त ये वाला जो पॉइंट है ये आपके एग्जाम में बहुत बहुत बार आया है, ये वाला क्वेश्चन भर भर के आया है आपके पेपर में, जल्दी बोलिए भाई। MCQ की क्लास मैं 21 तारीख से लूंगा, सीधी सीधी बात, 21 तारीख से MCQ ही MCQ कराऊंगा, 21 के बाद 20 के बाद मैं कंटेंट कुछ नहीं कराऊंगा, और फिर मैराथन कराऊंगा 21 से लेके 27 तक मैं केवल MCQ कराऊंगा। इसके अंदर एक MCQ का आंसर गलत है, जहां 135,000 आ रहा है जबकि आंसर 150,000 होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं दोस्त, अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल की प्रेजेंटेशन भगवान जाने इंस्टीट्यूट ने कैसे करी हुई है, हम अपने दिमाग से चलेंगे। अगर आप इलस्ट्रेशन 2 को देखते हैं तो वो आपको ये कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ ए लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी एज पर AS 22। तो पहली बात तो क्या मैं बोलूं, उसने ये कह दिया कि डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बताओ, लेकिन वो यहां रुका नहीं, उसने एंड वर्ड बोला और एंड वर्ड के साथ बताओ अमाउंट टू बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर। अगर आपको याद हो मैंने आपसे कहा था डेफर्ड टैक्स का मैट के साथ में कोई भी रिलेशन नहीं होता, याद है आपको? मैंने आपसे कहा था कि डेफर्ड टैक्स का मैट के साथ कोई रिलेशन नहीं होता, ठीक है। आइए अपनी इस बात को करते हैं और यहां ध्यान से देखते हैं, क्या मैं कहूं मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है, जो मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट है वो अकाउंटिंग प्रॉफिट है 6 लाख रुपए, मेरा जो प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स है वो 60,000 रुपए है, जो मेरा टैक्सेबल प्रॉफिट है वो मेरा 60,000 रुपए है, और जो मेरा टैक्स का रेट है वो मेरा जो टैक्स का रेट है वो टैक्स का रेट है 20%, ठीक है। तो एक बात बताइए, अब यहां पर बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी, इंस्टीट्यूट वाले प्रेजेंटेशन में फंस जाएंगे आप। एक बात बताइए, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि इफ अभी
टैक्सेबल प्रॉफिट कम है, मींस बाद में टैक्सेबल प्रॉफिट ज्यादा होगा। अगर अभी टैक्सेबल प्रॉफिट कम है तो बाद में टैक्सेबल, ये सब लाइन आपको लिखनी नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूं। तो इसका मतलब एक बात कंफर्म है कि DTL बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, बोलिए। अगर अभी टैक्सेबल प्रॉफिट कम है और बाद में टैक्सेबल प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा तो अभी DTL बनना चाहिए, क्योंकि टैक्स ज्यादा लगेगा तो प्रॉफिट, प्रॉफिट ज्यादा तो टैक्स ज्यादा। क्या मैं कह सकता हूं 540,000 का 20% कितना आता है, 1,08,000 रुपये आएगा कि नहीं आएगा, बताएं जल्दी बोलें, 1,08,000 रुपये आना चाहिए कि नहीं? जी सर, बिल्कुल आना चाहिए। अब मेरे दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी एंड मैट की। एक बात बताइए, क्या मैं कह सकता हूं जो एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी लगेगी वो टैक्सेबल प्रॉफिट के हिसाब से होगी और जो मैट होगा वो बुक प्रॉफिट के हिसाब से होगा, और जब मेरे को टैक्स जमा कराने की बारी आएगी तो क्या मैं कहूं इन दोनों का हायर लेंगे? ये सारी बातें आपने अपने नोट्स में लिखी हुई हैं। अब मेरा एक्चुअल टैक्सेबल प्रॉफिट 60,000 रुपए है और टैक्स का रेट 20% है, तो यहां से तो 12,000 आ गया। अब मैट के हिसाब से मेरा बुक प्रॉफिट 3,50 है और मेरा मैट का रेट 7.5% है, तो क्या मैं कहूं 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 7.5%, ये बताना कितना आता है? 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 7.5%, बोलिए। मैं बता देता हूं, 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 7. ये आता है 26,250। बोलिए सबका 26,250 आ रहा है कि नहीं? मेरा आ रहा है 26,250। जी सर, बोलते रहिए। हाँ जी, आ रहा है। अब एक बात बताओ, क्या मैं कहूं 12,000 और 26,250 इसका मतलब हायर लिया जाएगा 26,250? अब अगर मैं मैट ले रहा हूं तो ऑटोमेटिकली मैंने इस वाले को इंक्लूड कर ही लिया कि नहीं कर लिया? लेकिन साथ साथ में जो ये मैंने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनाई है कि फ्यूचर में मुझे इतना टैक्स देना पड़ेगा, इसको भी तो जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा? फ्यूचर में मुझे इतना टैक्स देना पड़ेगा, इसको भी तो जोड़ना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, तो मैंने इसके अंदर DTL और जोड़ दिया 1,08,000, तो ये बन गया 1,34,250 जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना चाहिए। अब जब आप इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशन को देखोगे, भाई भगवान जाने वो क्या करते हैं, एक्सेस ऑफ मैट ओवर करंट ईयर टैक्स, डेफर्ड टैक्स, पता नहीं क्या। भाई बड़ी सीधी सीधी बात बताइए मैंने आपको, तो कि आपकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी जो बनती है वो बनती है टैक्स टैक्स एज पर इनकम टैक्स, जो आप नॉर्मल PGBP निकालते हो, और या फिर मैट बुक प्रॉफिट 115JB वाला। अब इन दोनों में से जो हायर होगा उसको कंसिडर कर लेंगे। व्हेन इट कम्स टू हायर, हायर मीन्स 26,250 आएगा साहब, और तो आएगा नहीं। अब जब इतना हो गया तो क्या मैं कहूं, जब मैं 26,250 दे रहा हूं तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब होता है कि 12,000 तो दे ही रहा हूं, क्योंकि हायर ले रहा हूं ना मैं। और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी मतलब कि भैया मैंने इतना पैसा जो है वो अभी से ही मैंने लायबिलिटी मान ली है, क्योंकि अभी अगर इनकम टैक्स वाले कम ले रहे हैं तो फ्यूचर में इनकम टैक्स वाले ज्यादा लेंगे। हाँ बिल्कुल चलेगा,
सर फिर हम इसका प्रेजेंटेशन हम भी साइड साइड करके चलेंगे। हाँ बिल्कुल, क्लियर हो गई बात। जल्दी बताएं भाई, क्या ये बात सबको क्लियर है? हाँ जी बोले भाई बोले। जी सर ये बात सबको क्लियर है, आइए आगे चलते हैं। अब अगला, ये पता नहीं क्या कर रखा है, कैसे ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, सीधे आंसर आना चाहिए था। आइए अगला सवाल पढ़ते हैं। अब अगले सवाल को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, मैं सारा करा दूंगा, सुनते रहिएगा। अब जब अगला सवाल देखते हैं तो वो कहता है, सर देखो एक PQR लिमिटेड है जिसका अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च को एंड होता है। कंपनी 2 लाख रुपए का लॉस कर चुकी है 31 मार्च 2021 को। इसका मतलब 31 मार्च 2021 मैंने यहाँ लिख लिया प्रॉफिट या लॉस। एक बात कंफर्म है कि यहाँ पर 2 लाख रुपए का अपने को लॉस है। आगे कहता है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 इट मेड ए प्रॉफिट ऑफ 1 लाख एंड 1 लाख 20 हजार रिस्पेक्टिवली। बहुत बढ़िया, मतलब 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2023, तो मैंने ये भी लिख लिया 31 मार्च 2022 और मैंने फिर एक और लिख लिया 31 मार्च 2023। 31 मार्च 2022 को मैं प्रॉफिट अर्न करूंगा 1 लाख का और फिर 1 लाख 20 हजार का, एक 1 लाख का और एक 1 लाख 20 हजार का। बोलिए यहां तक सारी बात ओके है? जल्दी बताएं। हाँ जी सर, यहां तक सारी बात ओके? जी सर ओके है, बिल्कुल ओके है। अब आगे पढ़ते हैं। आगे कहता है, इट इज अज्यूम्ड दैट द लॉस ऑफ अ ईयर कैन बी कैरी फॉरवर्ड टू द 8 ईयर्स एंड द टैक्स रेट इज 40%। इसका मतलब आप एक जरा, अब इनकम टैक्स वाले बंदे हो यार, पहले तो ये आप AS करने में आपको हो सकता था थोड़ी प्रॉब्लम आती हो, क्योंकि जब मैंने ये AS कराया था उस टाइम आपका इनकम टैक्स उतना नहीं हुआ था। लेकिन अब तो मैं आपके साथ सीधे सीधे बात कर सकता हूं कि जब मेरा पहले साल में 2 लाख का लॉस है, मेरा दूसरे साल में 1 लाख का प्रॉफिट है, तो मैं हद से हद 1 लाख रुपए का प्रॉफिट ही तो एडजस्ट कर सकता हूं ना लॉस के साथ। बोलिए, हद से हद मार के मैं 1 लाख का प्रॉफिट ही तो एडजस्ट कर सकता हूं कि नहीं? इसका मतलब मेरे भाई, अगर मेरे को यहां 2 लाख का लॉस है तो क्या मैं कहूं आज लॉस है तो कल ये लॉस एडजस्ट भी होगा? ध्यान से सुनना, आज लॉस है, आज लॉस है, ठीक है, तो कल लॉस एडजस्ट भी होगा। और जब ये लॉस एडजस्ट होगा इसका मतलब फ्यूचर में टैक्स कम लगेगा। बोलिए, फ्यूचर में टैक्स कम लगेगा कि नहीं? तो इसका मतलब क्या मैं बोलूं, यहां मैंने टैक्स सेविंग कर ली 80,000 रुपए की। लॉस दिखा के, 2 लाख रुपए का लॉस दिखा के मेरी टैक्स सेविंग हो गई कि नहीं हो गई? जी सर। अब जब मेरी टैक्स सेविंग हो गई तो क्या मैं कह सकता हूं कि मेरा नेट प्रॉफिट और लॉस 1,20,000 का आ गया? पहले बताइए, इतनी बात समझ में आती है? क्योंकि इसके बिना तो बात वैसे ही नहीं हो सकती। इतनी बात समझ में आती है कि नहीं? बोलें जल्दी। बिल्कुल सर, इतनी बात समझ में आती है, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनिएगा, क्या मैं कहूं जो आपने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया है अगले साल, ये 1 लाख का प्रॉफिट पूरे 1 लाख के साथ एडजस्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
ये वाला जो लॉस है ये लॉस यहां एडजस्ट हो जाएगा, तो आपका प्रॉफिट तो निकलने नहीं वाला कुछ भी, लेकिन ये जो आपकी 80,000 की सेविंग हुई थी, इसमें से 40,000 यहां यूज हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो भले ही आपको यहां पर जो आपको 80,000 का प्रॉफिट हो रहा था टैक्स का, वो प्रॉफिट अब यहां यूज हो गया, तो क्या मैं कहूं अब आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इफेक्ट 60,000 ही बचेगा? जल्दी बोलिए, क्या आपको यह बात समझ में आती है? नेट प्रॉफिट नहीं समझ में आया, एक बार दोबारा सुनो भाई। देखिए, किताबों में आपको 2 लाख रुपए का लॉस है, लेकिन इस लॉस की वजह से आपका फ्यूचर में इनकम टैक्स 80,000 रुपए का बचेगा कि नहीं बचेगा भाई? ये बात तो यार आप एफएम के कैश फ्लो में भी करते होगे ना, कि अगर मैंने कोई एसेट लिया, अगर मेरे को उसके ऊपर मैं 9% रेट के हिसाब से लोन पे कर रहा हूं, 1 करोड़ के लोन पर 9% के हिसाब से 9 लाख रुपए ब्याज भर रहा हूं, तो 9 लाख मेरा कैश आउटफ्लो तो हुआ, लेकिन उस 9 लाख पर 30% के हिसाब से 2,70,000 टैक्स भी तो बचा रहा हूं, तो मेरा नेट आउटफ्लो 9 लाख नहीं, 9 लाख माइनस 2,70, 5,30 हुआ, ये 6,30 हुआ। करते नहीं हो आप ये बात? बताओ, बोलो ना, करते हो कि नहीं करते? जी बिल्कुल करते। तो वही तो मैं कर रहा हूं यहां, तो अब जब मैं बात करता हूं सिमिलरली कि मैंने यहां पर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट तो कमाया, लेकिन उस 1 लाख के प्रॉफिट पर मैंने 1 लाख के लॉस के साथ एडजस्ट करा दिया, लेकिन फिर भी वो जो 40,000 का मेरा टैक्स बेनिफिट था, 40,000, 80,000 में से 40,000 यहां लग गया ना, तो क्या मैं कहूं भले ही मुझे दिख रहा है कि मेरा 1 लाख का प्रॉफिट है, लेकिन असली में जो मैंने 40-80 हजार रुपए निकाल के रखा था साइड में, उसमें से 40 यहां खप गया कि नहीं? ठीक है, अब आगे सुनिएगा। अब क्या मैं ये कह सकता हूं कि भैया अब मेरे पास जो 1,20,000 का प्रॉफिट आ रहा है नेक्स्ट ईयर, इसमें से सेट ऑफ तो केवल 1 लाख का ही हो पाएगा ना, तो 20,000 बच गए कि नहीं बच गए? इस 20,000 पर 40%, 8% का 8 का टैक्स भी लग गया, और इसके अलावा 40,000 रुपए का टैक्स मैंने और बचा लिया, जो सेट ऑफ करा था तो वो ये 80 वाला, 40 यहां लग गया, 40 यहां लग गया, तो 1,20 का प्रॉफिट तो भले ही मुझे दिख रहा था, लेकिन उसमें से 8,000 का तो टैक्स ही भरना पड़ेगा, और जो 80,000 का मैं अपना वो बचा के चल रहा था टैक्स लायबिलिटी, वो भी तो यहां कम हो जाएगी, तो मेरा नेट प्रॉफिट 72,000 आना चाहिए। ये जो नेट प्रॉफिट है, याद रखिए, ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इफेक्ट के साथ है। बोलिए, लेकिन मैंने एफएम नहीं पढ़ा इसीलिए ये बात है। क्लियर होती है सबको बात? जल्दी बताओ भाई, मैं इंतजार कर रहा हूं, बताइए दोस्त। क्लियर है? यस सर, क्लियर है, बढ़िया। आइए और आगे चलते हैं। अगला सवाल आता है, इलस्ट्रेशन 4, वो क्या कहता है? देखिए, जितने प्रकार के यहां इलस्ट्रेशन हैं, समझ जाइए उसी में से क्वेश्चन आएगा घुमा के। जितने प्रकार के यहां इलस्ट्रेशन हैं, हाँ भाई वीरेंद्र, आपको समझ में कैसे आएगा बताओ? आपने टैक्स का इफेक्ट एडजस्ट करा है, AS 22 नहीं पढ़ा आपने? मेरे से AS 22 नहीं पढ़ा क्या?
आइए, ओमेगा लिमिटेड इज वर्किंग ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स विच आर लाइकली टू बी कंप्लीटेड विद इन 3 ईयर्स पीरियड, विच आर लाइकली टू बी कंप्लीटेड विद इन 3 ईयर्स पीरियड। इसका मतलब यहां पर कहीं ना कहीं AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की बात आती है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की बात आती है, ठीक है, आप सही पढ़ा है भाई, मेरे को बताइएगा जरा, उस पर टेलीग्राम ग्रुप पर भेजिएगा। अब वो कहता है, याद है आपको AS7 में जब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते थे तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के 2 मेथड होते थे, कंप्लीट मेथड और प्रोपोर्शनेट मेथड, और यूजुअली प्रोपोर्शनेट मेथड ही फॉलो होता है, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड, जितना परसेंटेज जितना डिग्री ऑफ कंप्लीशन काम हो गया उतना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगा। इट रिकॉग्नाइजेज इट्स रेवेन्यू फ्रॉम दीज कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड 2020, 2021, 2022 और 2023। क्या मैं बोलूं कि अकाउंटिंग के हिसाब से 11 लाख का रेवेन्यू माना गया है, 16 लाख का रेवेन्यू माना गया है और 21 लाख का रेवेन्यू माना गया है, ये अकाउंट्स के हिसाब से हो गया, जबकि टैक्स के हिसाब से फर्स्ट, अब ये देखो इधर देखो, ये हो गया अकाउंटिंग के हिसाब से ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3, 11, 16, 21, 11 लाख, 16 लाख और 21 लाख, जबकि टैक्सेशन के हिसाब से माना गया है 7 लाख, 18 लाख और 23 लाख, 7 लाख, 18 लाख और 23 लाख। अब मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनो, अपना लॉजिक बड़ा सिंपल है, अकाउंटिंग में रेवेन्यू ज्यादा है, टैक्स में रेवेन्यू कम है, अगर टैक्स में रेवेन्यू कम है मतलब टैक्स में प्रॉफिट कम है, और अगर टैक्स में प्रॉफिट कम है तो इसका मतलब टैक्स लॉ के हिसाब से, टैक्स लॉ के हिसाब से सीधी सीधी बात है, यहां पर जो टाइमिंग डिफरेंस आ रहा है वो 4 लाख का आ रहा है, बोलो, और टैक्स का जो रेट है वो 35% है। इसका मतलब आज टैक्स में रेवेन्यू कम दिखा रहे हैं तो फ्यूचर में रेवेन्यू ज्यादा दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे, अगर फ्यूचर में रेवेन्यू ज्यादा दिखाएंगे तो फ्यूचर में टैक्स ज्यादा होगा, तो बताओ DTL बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, 4 लाख का 35% कितना होता है जल्दी बताइए, 4 लाख का 1 हो गया आपका 30, 1 20 और 5, 1,40,000 का बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, बोलिए बोलिए, जल्दी बोले, बिल्कुल बनना चाहिए, यस। अगले साल अब देखो ध्यान से, टैक्स में ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया, मतलब टैक्स का प्रॉफिट ज्यादा हो गया 35%, तो क्या मैं कहूं यही DTL जो है वो रिवर्स हो जाना चाहिए 70,000 से, और अगले साल फिर दोबारा 2 लाख हो गया 35%, मतलब फिर दोबारा 70,000 से रिवर्स होके नील बैलेंस हो जाना चाहिए कि नहीं। ये एक बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे काम करता है DTA और DTL।
बोलो, बैलेंस हो जाना चाहिए कि क्लियर है भाई? पहले में 70 खत्म कर दिया, 70 बचा होगा, दूसरे में 70 और खत्म कर दिया, निल हो गया होगा, बताएं जी? क्लियर क्लियर क्लियर। अब ध्यान से देखिएगा, अब अपन जब आगे चलते हैं तो क्या मैं कहूं, सेवेंथ क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन आपका होमवर्क हो सकता है कि नहीं, जल्दी बताइए। इंस्टीट्यूट ने इतना खतरनाक आंसर दिया है कि बच्चे की रूह कांप जाए। सेवेंथ क्वेश्चन आपका होमवर्क हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक बात याद रखिएगा, पॉइंट टू रिमेंबर, इस एएस का जो नाम है वो है अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। जीएसटी के साथ इसका कोई भी लेना देना नहीं है, जीएसटी के साथ इसका कोई भी लेना देना नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है? आगे चलते हैं, अब बात करते हैं अगले सवाल की। कहता है सारस लिमिटेड, कोई एक कंपनी है सारस लिमिटेड, हम क्या कर सकते हैं? अच्छी बात है, एक सारस लिमिटेड है। सारस लिमिटेड अपनी बुक्स क्लोज करती है 31 मार्च को, उनकी 5 लाख रुपए की जीएसटी की लायबिलिटी है मार्च 2022 की। उन्होंने अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कर दिया, जबकि वो लायबिलिटी उन्होंने 21 अप्रैल को पे करी है। अब आपसे जवाब मांगता हूं, ड्यूटीज एंड टैक्सेस कब आपको अपने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करने अलाव होते हैं? जब पे कर दो या जब ड्यू हो जाएं? बोलिए, जब पे कर दो या ड्यू हो जाएं, कब होते हैं आपको अलाव? बोलो बोलो, कब अलाव होते हैं? जब पे कर दो या जब ड्यू हो जाएं, बताइए। इनकम टैक्स के 43B में कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो अलाउ होते हैं ऑन पेमेंट बेसिस, जब पेमेंट होगी तब अलाउ होंगे। तो इसका मतलब ये जो आप 21 अप्रैल को पे कर रहे हो, क्या मैं कहूं ये बिल्कुल बेकार है? ये 5 लाख रुपए जो आपने अपने अकाउंट्स में डेबिट करे हुए हैं, इनका कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब आपने डेबिट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किया हुआ है 5 लाख, अलाउड अंडर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स में अलाउ होगा निल। तो इसका मतलब आपकी टैक्सेबल इनकम बैठ जाओ 5 लाख रुपए से बढ़ जाएगी। कह रहा है अकाउंट्स का प्रॉफिट कम हो गया, अरे टैक्स का प्रॉफिट बढ़ गया। अगर क्या मैं कहूं टैक्स का प्रॉफिट बढ़ गया, इसका मतलब टैक्स बढ़ गया। अभी टैक्स बढ़ गया तो फ्यूचर में कम होगा, मतलब डीटीए बनेगा। तो 5 लाख पर 30% के हिसाब से 1,50,000 का DTA बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बोलिए, यस DTA बनना चाहिए, 100% बनना चाहिए। सारे सवाल बन रहे हैं यार, क्या दिक्कत है? आखिरी सवाल बचा है, ठीक है? अब क्या कहता है आखिरी सवाल में देखना, वो कहता है सर सुनो,
एबीसी लिमिटेड है, उसने इन्वेस्टमेंट करा है इन वेंचर कैपिटल 10 करोड़ रुपए का। वेंचर कैपिटल ने यहाँ यहाँ पर पैसा लगाया है, ऑस्कर में, जी में, स्टार में, सोनी में, टोटल 10 करोड़ का पैसा लगाया। 1920 में वेंचर कैपिटल ने अपने इन्वेस्टमेंट बेच दिए 8 करोड़ रुपए के, स्टार लिमिटेड के शेयर्स बेच के। स्टार लिमिटेड के शेयर कितने में खरीदे थे? स्टार लिमिटेड के शेयर 4 करोड़ में खरीदे थे, और स्टार लिमिटेड के शेयर 4 करोड़ में खरीद के कितने के बेच दिए? 8 करोड़ के बेच दिए। तो क्या मैं कहूं, इसके ऊपर आपकी टैक्सेबल इनकम बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? 4 करोड़। आगे कहता है, अकाउंट्स मैनेजर हैज रिसीव्ड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, 8 करोड़ हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द ईयर एंड इज 2 करोड़। ओके, कंपनी हैज टू पे अ कैपिटल गेन 20% ऑन द नेट सेल्स कंसिडरेशन ऑफ 4 करोड़। ड्यू टू COVID-19 द रिमेनिंग स्टार्टअप ऑस्कर लिमिटेड, जी लिमिटेड आर नॉट परफॉर्मिंग एज वेल, विल सून वाइंड अप देयर ऑपरेशन। वेंचर कैपिटल इज मॉनिटरिंग द सिचुएशन एंड दे विल प्रोवाइड द इम्पेयरमेंट लॉस इन जून 2022 क्वार्टर। भाई साहब दिमाग घूम जाएगा, ऐसा क्वेश्चन है ये, पूरा दिमाग घुमा देगा ऐसा सवाल है, पूरा का पूरा दिमाग घुमा देगा आपका। अब आप ध्यान से बात को सुनिए, इधर देखिए, समझिए, क्या मैं बोलूं भाई, आपने तो बड़ा सीधा सीधा हिसाब करा है कि आपने क्या काम करा, देखते जाइए बस, आपने क्या काम करा कि सब मैंने मिटा दिया। क्या मैं बोलूं, आपने टोटल इन्वेस्टमेंट जो करी थी वो 10 करोड़ की करी थी, ठीक है? आपने जो टोटल इन्वेस्टमेंट करी थी वो टोटल इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ की करी थी, जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। अब आपने जिसमें से स्टार लिमिटेड के खरीदे हैं 4 करोड़ के, और आपने वही स्टार लिमिटेड के जो बेचे हैं वो बेचे हैं 8 करोड़ के। वो आपसे ये नहीं पूछ रहा, उसने आपसे ये कहा, ये बताओ कंपनी करे तो करे क्या? तो क्या मैं बोलूं, यहां पर आपको कैपिटल गेन होना चाहिए 4 करोड़ का? बोलो, यहां आपको कैपिटल गेन होना चाहिए कि नहीं 4 करोड़ का? अब भैया और आगे चलते हैं, तो वो कहता है कि टैक्स का रेट दिया है क्या? जी हाँ, बिल्कुल दिया हुआ है, टैक्स का रेट है 20% कैपिटल गेन पर। तो क्या मैं कहूँ, इसके ऊपर 20% लगा देंगे तो 0.8 करोड़ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा टैक्स? बोलिए, आ जाना चाहिए। वो कहता है तो अपना तो भाई 0.8 करोड़ आना चाहिए, यहां तो बिल्कुल क्लियर है, ये टैक्स के हिसाब से होना चाहिए वेंचर कैपिटल। ये पूरी बात हो गई, अकाउंट्स मैनेजर ने 8 करोड़ रुपए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से लेस कर दिए। क्या मैं कहूं, भाई आप क्या काम कर रहे हो? अगर आपको 8 करोड़ रुपए मिले हैं, उसके बदले आपने माल तो 4 करोड़ का ही बेचा है ना? बोलो, तो क्या मैं कहूं, सीधा सीधा बात है, आपका 4 करोड़ रुपए का टाइमिंग डिफरेंस आएगा, क्योंकि आपने तो 8 करोड़ का बेचा और 8 करोड़ को यहां से माइनस कर दिया, 4 करोड़ का आपका टाइमिंग डिफरेंस आएगा, जिसके ऊपर डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट होगा। बोलिए, कुछ करना ही नहीं है इस क्वेश्चन में। अब इसका इतना ज्यादा बड़ा आंसर दे रखा है कि आदमी वैसे ही घूम जाए,
या मैं कहूँ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट केवल ये होना चाहिए कि जो कैपिटल गेन टैक्स आ रहा है 4 करोड़ रुपए के ऊपर 20% का 0.8 करोड़, वही सर्वे सर्वा आपका आंसर होना चाहिए। आपका ऑलमोस्ट सारा मॉड्यूल करा दिया मैंने, एक आपको होमवर्क दिया है, एक और आपको होमवर्क दे रहा हूं, दो होमवर्क हैं आपके केवल। कल से AS15 करेंगे। अब बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, आपके अब बहुत सारे AS मैंने करा दिए, अब सुनिए, AS15 कराऊंगा, 21 से लेके 27 तक MCQ कराऊंगा, 28, 29 बाकी के 3-4 दिन जो बचेंगे मैराथन कराऊंगा। प्लान सेट है। मैराथन के अंदर ब्रांच अकाउंटिंग कराऊंगा, कंपनी अकाउंट्स कराऊंगा, अमेलगमेशन करा दूंगा दोबारा। इतना कहानी नहीं बना सकते आप। वीरेंद्र कह रहा है कि आपको यह बनाना, इतनी कहानी नहीं बना सकते क्या? मॉड्यूल कॉपी कर सकते हो क्या आप? यू कैन नॉट कॉपी द मॉड्यूल। ठीक है भाई, चलते हैं।